देखिए फिल्म जो है फर्स्ट हाफ जैसे मतलब पूरी फिल्म में रणवीर सिंह जब जब स्क्रीन पे होते हैं तो तब तब बहुत मज़ा आता है। कहानी बहुत सिंपल है, आगे एंजॉय करना है, लेकिन इसमें नयापन नहीं है। कहानी को पुरानी कहानी को नए तरीके से पेश किया गया है और एंजॉय है। थोड़ा सा लंबी लगती है, 2 घंटा 45 मिनट ज़्यादा है। अगर 2 घंटा 5-10 मिनट होती तो और मज़ा आता, लेकिन फिल्म को जिस तरह से पेश किया है, रोहित शेट्टी की जो खासियत है कि वो बहुत कलरफुल मूवीज़ बनाते हैं और हर सीन में जान डाल देते हैं। सिनेमाटोग्राफी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, इसीलिए फिल्म में मज़ा आता है। कहानी में भले ही नयापन ना हो, लेकिन देखकर लगता है कि यार चलो कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं हम जिसमें हमें ज़्यादा जहन लगाना नहीं है, बस सिर्फ मज़े लेने हैं। और रणवीर सिंह जिस किरदार में घुस जाते हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ। रणवीर सिंह क्या अजय देवगन को, अजय देवगन ने जिस फिल्म में एक जगह कायम की, एक जगह बनाई, क्या उसको पार कर पाते हैं या और निकल के आते हैं? देखिए सिंघम का मतलब होता है शेर, सिम्बा का मतलब होता है शेर का बच्चा। तो बच्चा जो है सिम्बा जो है शेर की बराबरी नहीं कर सकता है। और भले ही जितने दृश्य में सिंघम सिम्बा के साथ हैं, जब जब सिम्बा अकेले हैं तो वो छाए हैं, लेकिन जब सिंघम और सिम्बा साथ हैं तो सिंघम उनसे ऊपर हैं। जिस तरह से अजय देवगन ने चश्मा निकाल कर गॉगल निकाल कर अपनी आँखें दिखाई, पूरी दुनिया उनकी आँखों की दीवानी है और मैं भी उनकी आँखों का दीवाना हूँ, तो वो आँखों में मैं खो गया था। तो उनकी बराबरी वो नहीं कर सकते। खुद रणवीर सिंह भी ये कहेंगे कि मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ, और असल में उन्होंने बराबरी नहीं की है, मुझे ऐसा लगता है। 5 में से स्टार जो है, मैं थोड़ा कहानी को अगर हटा दूं तो प्रेडिक्टेबल कहानी है और सारा अली खान पता नहीं बीच बीच में गुम हो जाती हैं, तो ये थोड़ा 2-3 चीज़ें अगर छोड़ दूं तो 3.5 स्टार मैं इसे देना चाहूँगा। रणवीर बट याद मूवी वाज अमेजिंग एंड हिज एंट्री वाज ग्रेट ग्रेट ग्रेट। व्हाट डू यू थिंक स्पेशल अबाउट द फिल्म रणवीर? या यू कैन सी इट इन द अपकमिंग मूवी वेयर वी विल गेट टू सी अक्षय, so it will be a trio. Ranveer's acting is amazing as always, as usual. It is better than Singham. What we have seen Ajay? I have not seen Singham, but I love Ranveer. Who is the better performer, Sara or Ranveer? Ranveer, of course Ranveer. What is the music of the film? What? Music of the film. Music is good. Music is good. Nothing can beat Ranveer's acting. Okay. Out of 5 stars, how many stars? Picture मजा है. 4. Thank you. Very typical Rohit Shetty entertainer, and I loved it. About Simba. I think Simba Ranveer Singh was the best part. I think he did full justice to the character. He was very apt for the character. I think Ajay Devgan ke baad agar koi, you know, we get the feel of, you know, Singham and the Simba thing, it's Ranveer, and he was fabulous. Comedy, especially, you know, he presented comedy altogether in different way. You have just seen the film. Yeah, I think it was very nice. It was very smart way of doing it, because it was not a very typical comedy flavor, but he did it full justice, Ranveer Singh, and I think it's a very very typical Rohit Shetty. I'm using typical because in the past Rohit Shetty has like Dilwale didn't do that well, but I think he is back. Yes. This is his forte. This is his genre, and he's absolutely nailed it, and I loved it. Who is a better performer, Ajay Devgan or? Oh, there is no comparison at all. I mean, both are very charming, very good looking, and very smart. And they both are fabulous actors. I think I can't compare them. I think Ranveer is, you know, best at the way he does it, and Ajay Devgan is, you know, he's a legend. Do you think Sara uses the film? Sara was not bad. Whatever screen space she got, she did her best. I think she was good. Music is good, yeah. Out of 5 stars. 5. It's entertaining. How much you loved it? How much you liked it? I loved it totally. बहुत time के बाद एक commercial film, and I mean ऐसा कोई loophole नहीं है जो आप point out कर सको. और मैंने बहुत time के बाद एक film एक audience के हैसियत से देखी. I'm an actor myself. मुझे अपने अंदर का actor जगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. मैं audience की तरह गई और मुझे audience की तरह बहुत मज़ा आया. कॉमेडी की मैं बात करूँ, एक अलग लिहाज से, एक अलग तरह से He's, if रोहित सर का वो इंटेंशन रहा है कि वो रणवीर जी से कॉमेडी करवाना चाहते हैं, वो 100% मार्क्स के साथ पास हो चुके हैं. यू कांट कंपेयर रियली. द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड व्हेन इन द क्लाइमैक्स व्हेन अजय सर एंड रणवीर जी स्टैंड टुगेदर, आप बता ही नहीं सकते कि दोनों में इतने सालों का फ़र्क है. म्यूज़िक तो है ही है सर, आप बैकग्राउंड स्कोर के लिए फिल्म देखिए, ब्यूटीफुल, रिफ्रेशिंग.
500, not even 5 stars, 500. Rohit Shetty sir, you started a franchisee so many years ago and it's still doing so well. Sir, main aapki bahut badi fan hu. Genuinely. Amazing. Thank you. Dekh ke aa rahi hu main. I love Ranveer Singh. Kya role hai? Matlab manna padega different police ke role mein unhone first time try kiya hai. Bahut acha laga jis tarike se body banayi hai, jis tarike se marathi bola hai. Character matlab ekdam ghus gaya Ranveer Singh. Jaise bola jata hai ki apne film ke role mein wo andar ke tarike se ghus jate hain. Bahut acha laga. I really love. हाँ थोड़ी कॉमेडी है, बहुत डिफरेंट है. मैंने देखा नहीं है रणवीर को कभी इस रोल में, लेकिन वो रोहित शेट्टी के लिए बोलना चाहेगा कि उन्होंने ये करवा लिया रणवीर सिंह से. बिकॉज रणवीर जिस तरह कॉमेडी वो भी करते हैं अपने कई फिल्मों में, बट इस तरीके की नहीं. तो सल्यूट टू रोहित शेट्टी जिन्होंने ऐसा करवाया है. अफकोर्स रणवीर सिंह, पूरी मूवी रणवीर सिंह की है. तो अजय देवगन तो मतलब अफकोर्स इस सिम्बा में बोला चाहे तो रणवीर सिंह ने क्या बोलते अच्छा परफॉर्म किया. बाकी सिंघम का तो कोई मात नहीं दे सकता. सिंघम तो सिंघम ही है उसमें. तो अजय देवगन अलग है, रणवीर सिंह अलग है. तो दोनों को अलग अलग देखा जाएगा. तो अभी तो सिम्बा के हिसाब से सारा लुक वाइज बहुत अच्छी थी. एक्टिंग भी उनकी ठीक है, मतलब बस बहुत कम दिखी हैं. तो लुकिंग और ड्रेसिंग उनका बहुत अच्छा है. बस सारा मतलब ठीक है. 5 स्टार दूंगी, पैसा वसूल है. तो जैसे ही इनकी फिल्म होती रोहित शेट्टी की, बिल्कुल उसी तरह की है. हमने सीनियर जर्नलिस्ट ने एक बार राकेश मारिया से पूछा था कि सिंघम ने आपके पुलिस का कितना मॉरल बूस्ट किया. तो बोले सिंघम ने तो किया ही, लेकिन इसका मैं क्रेडिट रोहित शेट्टी को देना चाहूँगा. तो उस चीज़ पर वो बिल्कुल खरे उतरे. पुलिस वालों की कुछ कमियाँ भी दिखाई तो उनका एक अच्छा रूप भी दिखाया. रणवीर सिंह के बारे में बहुत अच्छा, बहुत छा गया रणवीर सिंह. और वैसे भी वो बहुत टैलेंटेड हैं और मुंबईकर हैं, तो उनकी मराठी और उसका टच बहुत बढ़िया लगा. बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वो उत्तर भारतीय हैं मराठी. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, रणवीर कहीं भी फीका नहीं पड़ते. बल्कि उनके आने से जैसे केक में ऊपर एक सोने पे सुहागा. 5 में से मैं इसको 3.5 देना चाहूँगी. गुड रणवीर, वेरी गुड मूवी. पिक्चर अच्छा था. फाइटिंग बेस्ट एंट्री वॉज अजय देवगन एंड अक्षय. एवरीथिंग वाज दैट आई मिस सारा अली खान आफ्टर द इंटरवल एंड इट्स एन अमेजिंग मूवी. एंड एक्चुअली रेपिस्ट के साथ वैसा ही होना चाहिए जैसा हुआ इनमें. एंड द गेस्ट अपीयरेंसेस आर जस्ट अमेजिंग. गूज़बम्प्स amazing movie. Who's a better performer, Ajay Devgan or Ranveer Singh, when he comes, you know, as you said, as a guest of yeah. So I talk about Singham versus Simba. Both. You can't choose. Okay, you can. Music of the film. Amazing. And I love that song. The first is the romantic song which is there, with Arati Raven, yeah. It's amazing. Ranveer Singh as a comedian. Timing. Did he justify it? He just fascinates me every time I watch his movies. He's just amazing. I'm speechless having him. It's amazing, amazing, amazing. Five and a half. Yeah, बहुत कॉमेडी था और सबका एक्टिंग हो गया उसमें. रणवीर सिंह और अजय देवगन कौन ज़्यादा अच्छा लगा? रणवीर सिंह. It's a really amazing. What do you think about? एक टिकट में तीनों कॉमेडी वाज अमेजिंग. बहुत अच्छी है और एंडिंग भी एकदम फर्स्ट क्लास. थ्रिलर एक्टिंग है एकदम, सस्पेंस पूरा. 10/5. फिल्म बहुत अच्छी है. रणवीर सिंह की एक्टिंग के बारे में अगर बात करें, माइंड ब्लोइंग. रणवीर सिंह ने वाकई बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है. सिंघम का अलग मामला है, इसका अलग मामला. सिंघम भी एक बेहतरीन स्टोरी थी, इसकी भी बेहतरीन स्टोरी है. इसमें जहाँ से रेप का इन्होंने उठाया है मैटर फिल्म में, वो समझो साउथ से उठाया हुआ है. लेकिन लास्ट में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया. अगर वही रखते साउथ का पूरा कंटेंट तो और हिट होती फिल्म. तो मतलब आपको लगता है कि एंड को उन्हें साउथ वाला रखना चाहिए? हाँ. 5 में से 5 है भाई. और सारा और रणवीर में कौन ज्यादा बेटर परफॉर्मर रहा है? दोनों जबरदस्त, सुपर हिट.
फिल्म में सभी अच्छा है, एक्शन, इमोशन, और जो रोहित शेट्टी की फिल्म में होता है, जो फिल्म में होना चाहिए, सब कुछ है। हाँ, रणवीर सिंह के नए अंदाज में, जहाँ तक जब भी रोहित ने मीडिया से इंटरेक्शन किया तो हाँ कहा है कि मैं कॉमेडी को नए अंदाज में रणवीर के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। रणवीर एक्चुअली मेरा फेवरेट एक्टर है, तो मैं अगर उसने बुरा किया भी होगा तो मैं उसको अच्छा ही बोलूँगा, लेकिन इस फिल्म में वो आई मीन बीट इमोशन, एक्शन, हर चीज़ में वो एक नंबर है, हर चीज़ में। हाँ, नहीं ये कंपैरिजन तो बड़ा गलत होगा, हर दोनों एक्टर अपनी अपनी जगह पर है ना, एक मुकाम बनाए रखे हुए हैं। डेफिनेटली इन दोनों में अगर होलसम एंटरटेनर अगर गिना जाएगा तो रणवीर सिंह को गिना जाएगा। मतलब कैसा लगता है जब ऑन स्क्रीन दोनों एक साथ आप देखते हैं और ये रोहित शेट्टी फार्मूला है? नहीं, वो रणवीर की एक्चुअली खासियत है कि वो कैसे मान गया था कि लास्ट में आके अजय देवगन जो पूरा क्रेडिट लेके जाता है, मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा सिटी जब अजय देवगन आते तभी बजती है। मतलब वो उसको हैट्स ऑफ है कि एज एन एक्टर वो रेडी हो गया इस चीज़ के लिए, मतलब है ना कि दूसरा स्टार आके उसका पूरा क्रेडिट लेके जाता है एंड में, लेकिन वैसा था। हाँ, म्यूजिक फिल्म में थोड़ा सा मतलब वही है कि पुराने गाने को रिमिक्स किया, वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी, लेकिन आजकल का जो दौर है तो वही चल रहा है, तो वो इसमें भी यही चला है। कितने स्टार देंगे पांच में से? पांच में से 4.5 करो। रोहित सर मेरे टॉप 3 डायरेक्टर्स में से एक हैं, और जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा काम उन्होंने किया, और मेरे ख्याल से साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है ये। रणवीर सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई तोड़ नहीं होगा, कोई मुकाबला नहीं है। अजय देवगन और रणवीर सिंह कोई रणवीर अब अजय सर इज द मोस्ट सीनियर एक्टर एंड रणवीर सर इज टू गुड एंड कांट से, बट अजय देवगन सर की एंट्री तो माइंड ब्लोइंग थी, एक्सपेक्ट ही नहीं था। 5 out of 5, मोर देन 5। और रणवीर सर इज अ वेरी गुड एक्टर। अरे सुपर 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 हिट है, सुपर से ऊपर हिट है। क्या खास लगा आपको? बहुत सुपर, रेपिस्ट के ऊपर जो बनाई है स्टोरी है, सोचा ना, कड़क सैल्यूट है रोहित शेट्टी। एक नंबर। और रणवीर सिंह की एक्टिंग के बारे में? अरे वो तो लाजवाब पहले से है, रहेगा। और आपने बॉम्ब फोड़ दिया, 2018 का बाजीराव सिंघम में ज्यादा अच्छे रहे या इस मराठी सिम्बा में? सिम्बा में जो डायलॉग्स है, ऑल ऐसे नहीं हो सकते कि एक डायलॉग, पूरे डायलॉग से ऊपर डायलॉग्स मस्त है। उनके वन लाइनर भी बड़े फेमस होते हैं इसमें, बहुत यूज किया इन्होंने, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो आपको डायलॉग याद हो फिल्म से? माइंड इज ब्लोइंग ते मला सांगा जो मला, टेल मी समथिंग आई डोंट नो, ये माहित नहीं ते मला सांगा, कड़क है भाई, कड़क जो एक्टिंग सारा तो ओवर लोडेड क्यूटनेस, और एक्टिंग बहुत अच्छी है। अजय देवगन और रणवीर सिंह जब दोनों स्क्रीन पे आते हैं उनका डियो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? सुपर हिट है अजय देवगन, तो अजय देवगन सिंघम सिंघम है, सिंघम प्लस सिम्बा। सिम्बा कितने स्टार देना चाहिए? 5% स्टार। अगर आप उनके लिए डांस करते हैं सिंघम के लिए, सिम्बा के लिए तो कैसे करेंगे? आला सिम्बा आला पुलिस पुलिस, थैंक यू। फिल्म बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है, बहुत सादगी के साथ फिल्म उन्होंने पेश किया है। निर्माता निर्देशक को बधाई दूंगा, पूरी टीम को बधाई दूंगा, और सबसे बड़ी बात जो मीडियाकर्मी ने उसको सहारा दिया और प्रोत्साहन दिया, बढ़ाया, जो वास्तविकता मीडिया ने वही दिखाया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिल्म बड़ी खूबसूरती के साथ निखार कर बनाई गई है, पब्लिक को बहुत पसंद आएगी। नए साल में निर्माता निर्देशक पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। सो अजय की एंट्री वॉज सुपर, बट रणवीर ये पिक्चर में ही हैज आउट परफॉर्म एवरीबडी मेरे हिसाब से। मैं रणवीर को थोड़े ज़्यादा मार्क दूंगा। सारा अली वॉज गुड, वॉज गुड। अजय देवगन को मैं बहुत पसंद करता हूँ, अजय देवगन भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, और रणवीर भी अपनी जगह बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं 4.5 स्टार दूंगा ये पिक्चर को। मैं 4 स्टार दूंगा दोनों को। ब्लोइंग थी एकदम, फाड़ू सुपर थी, और एक्शन वगैरह बहुत ही अच्छा था, और लास्ट वाली एंट्री वो भी कड़क थी, सिंघम। वही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दोनों ही एक जैसी है, फाड़ू है दोनों। हाँ वो तो मुझे पसंद ही आती है, अभी केदारनाथ से आगे यही है ना। हाँ गाने भी अच्छे, 5। Oh